तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यूनिट्स क्या होती हैं। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसका काम क्या होता है, कंपेयर करना। इसी की सहायता से हम बता सकते हैं कोई चीज़ बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए इसका एक सिस्टम होता है यूनिट्स का। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चार सिस्टम के बारे में। तो पहला हमारा है सिस्टम, यानी हमारा करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसमें जो हमारा पहला सिस्टम है वो है FPS। FPS इसे बोलते हैं फुट, इसे बोलते हैं पाउंड और इसे बोलते हैं सेकंड। यानी फुट, पाउंड, सेकंड, इसका मतलब जो हमारी लेंथ होगी हमारी वो नापेंगे फुट में। यानी FPS सिस्टम में जो हमारी लेंथ होगी वो किस में होगी हमारी, फुट में। जो हमारा मास होगा वो होगा किस में, पाउंड में। और जो हमारा टाइम होगा वो होगा हमारा किस में, सेकंड में। तो ये हमारा पहला सिस्टम है FPS सिस्टम, जिसमें लेंथ मेजर करते हैं फुट में और मास मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। अब ये सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ना ही किताबों में और ना ही इसको साइंटिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिस्टम आता है वो हम आता है CGS सिस्टम। CGS का मतलब क्या होता है, C का मतलब यहाँ पर है सेंटीमीटर, जी का जो मतलब है वो है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। इसका मतलब जो हमारी लेंथ हमारी होगी वो करेंगे मेजर किसमें, सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में। और जो हमारा मास होगा मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में। और जो हमारा टाइम होगा टाइम को जो हम मेजर करेंगे वो करेंगे सेकंड में। ये FPS फुट पाउंड सेकंड पुराना हो चुका है, ख़त्म कहानी इसकी। दूसरा हमारा CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि लेंथ सेंटीमीटर में, वे मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, इसको यूज़ करते हैं पल्लू। अगला जो हमारा है वो है MKS, थर्ड वन इज MKS। MKS का मतलब क्या होता है, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में यानी केजी में, और समय यानी कि टाइम को मेजर करेंगे इसमें सेकंड में, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये काफ़ी प्रचलित सिस्टम है और हम ज़्यादातर इसी को आज के समय में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने की है, ध्यान देने की है, वो क्या है कि जो हमारे CGS और MKS सिस्टम है इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी इनके अंदर कमी है। वो क्या कमी है, जैसे मैं बात करूं MKS की, MKS में जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन्हें बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे मैकेनिकल हमारी एनर्जी है, इसकी जो यूनिट होती है
वो होती है जूल, एम के सिस्टम में, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें हीट एनर्जी की, इसकी जो यूनिट मानते हैं वो मानते हैं कैलोरी। हीट एनर्जी यानी कि कैलोरी में मेजर करेंगे इसको। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इसको मेजर करते हैं ये लोग वॉट आवर में। यानी कि यदि मान लिया पास तीन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इन तीनों में तीन प्रकार की यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं। पहले में जूल, दूसरे में कैलोरी, तीसरे में वॉट आवर। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसी प्रकार मान लो हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स को सिंपली इसमें एम के एस में किस में कहते हैं, न्यूटन में। इसके बाद यदि मान लो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको मेजर करेंगे हम लोग किलोग्राम फोर्स में, सॉरी तो यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि अलग अलग फोर्स के लिए हमारे पास है अलग अलग यूनिट्स, और अलग अलग एनर्जी के लिए भाई हमारे पास क्या है, अलग अलग यूनिट्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यदि हम डिफरेंट एनर्जी की डिफरेंट यूनिट्स हम लेके चलेंगे तो बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा होगी हमारे, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में डाउट्स पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये कमी देखते हुए एक पेरिस में सभा बुलाई गई, जिसमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो हमारा जो फोर्थ सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये फ्रेंच नेम है इसका। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये इसका इंग्लिश नेम है और ये इसका फ्रेंच नेम है, सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इसमें क्या विशेषता है, ये सिस्टम का मतलब हुआ कि कोई भी एनर्जी हो सबकी यूनिट जूल होगी, कोई भी फोर्स हो सबका यूनिट न्यूटन होगा। तो इसमें कुछ करीब करीब 7 यूनिट हमारी इंक्लूड की गई हैं, जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल, तो नहीं बोल सकते उनको, चूँकि कुछ 7 यूनिट इसमें कवर की गई हैं, जिनकी यूनिट्स हमें बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू एसआई। तो आइए वो 7 भी हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी 7 यूनिट हमारी शामिल हैं। देखो इसमें 2 यूनिट्स आती हैं हमारी, पहली आती है बेसिक फिजिकल यूनिट्स, ये होती हैं कुल मिला के 7। इसके अलावा इनमें आता है हमारा, सबसे पहले आता है लेंथ की जो यूनिट आपको माननी है वो माननी है मीटर, यानी कि स्मॉल एम से इसको दिखाएंगे हम लोग। दूसरा हमारा होता है मास की जो हमारी है वो है किलोग्राम, इसको हम केजी से दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी ये तीसरी
टाइम, ये हमारी होगी सेकंड में। स्मॉल एस इसके लिए हम अक्षर यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे हम लोग केल्विन और कैपिटल के इसका सिंबल है। इसके अलावा चौथा हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका हमारा होता है एम्पियर, ऐसा यूनिट इसकी, कैपिटल ए इसका सिंबल है। छठवां हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी। इसका होता है कैंडेला और सी डी से इसको हम दर्शाते हैं। इसके अलावा चौथा हमारा है क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा से बोलते हैं हिंदी में, यानी कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है, तो इसका होता है मोल। इसको हम लोग मोल लिखते हैं शॉर्ट में इसका नाम, सॉरी। तो हमारी सात होती है बेसिक फिजिकल यूनिट्स, लेंथ की इसमें एसआई में होती मीटर, मास को मापेंगे केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में मापेंगे। बाकी एनर्जी जूल में और फोर्स न्यूटन में, फोर्स कोई भी हमारा हो न्यूटन में होगा इसका, और एनर्जी कोई भी हमारे पास हो जूल ही इसकी यूनिट होगी। इसके अलावा इसमें दो यूनिट्स और आती हैं जिन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब दूसरा हमारा आता है इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री हमारी यूनिट्स आती हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें आती हैं दो चीजें, पहला हमारा आता है प्लेन एंगल, इसको मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में, यानी कि आर ई डी इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं सॉलिड एंगल। इसको करते हैं स्टेरेडियन में, इसके लिए हम स्मॉल एस स्मॉल आर इसके लिए यूज करते हैं। प्लेन एंगल जो हम मेजर करते हैं, जो 2D या 2D शेप्स हमारी होती हैं, कोई प्लेन हो गया, कोई ट्रायंगल हो गया, जो एंगल बनाता है वो कहलाते हैं प्लेन एंगल। और जो सॉलिड एंगल्स हमारे होते हैं वो 3D जो शेप होती है, जैसे कि कोई स्फीयर हो गया हमारा, कोई क्यूबॉइड हो गया हमारा, ये जितनी भी 3D शेप्स हैं वो सारे की सारी हमारी सॉलिड एंगल बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो यदि आप लोग कोई 12th क्लास में हो और आप लोग यदि 12th क्लास की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी आप अनअकैडमी पर वीडियोस देख सकते हैं, मेरा कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।